खुशी है और मैं चंद्रकांत दादा पाटिल का आज जो धन्यवाद भी करूंगा कि आज हमारे एमएलए रईस शेख ने जो आज हम लोगों ने जो उठाई थी वो लक्ष्यवेदी, उस लक्ष्यवेदी में आज इन्होंने माना कि हाँ कृषि के बाद अगर सबसे बड़ा कोई व्यापार देने वाला, कोई एम्प्लॉयमेंट देने वाला भी है तो वो पावरलूम है। 12.5 लाख पावरलूम है और पावरलूम आगे बढ़ाने की नीति बनेगी। सबसे बड़ी बात है कि 27 लाख साड़ियाँ जो सरकार लेती है वो साड़ियाँ पूरी की पूरी अब जो है पावरलूम पर ही बनेंगी। मालेगांव का मैटर है, वहाँ जो है सब जो बिजली बिल है बहुत ज़्यादा आती है, एवरेज बिल देते हैं और बाद में उसको जो है जो 1000 यूनिट लिख के देते हैं, बाद में जब सही करते हैं मीटर देख करके तो 1000 यूनिट पर ये लोग जो है सब्सिडी ले लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं रईस से बोलूँगा कि एक एक चीज़ जो है आप बताएँ। और पावरलूम इंडस्ट्री के लिए मैं समझता हूँ सबसे अच्छी आज बात हुई है जिससे पावरलूम इंडस्ट्री में एक बहुत ही खुशी का माहौल बनेगा। बताओ बोलूँगा जैसे अबू आसिम आजमी साहब ने बताया आपको कि आज पहली बार सरकार ने टेक्सटाइल के विषय में पावरलूम को अलग किया। आज सरकार ने टेक्सटाइल पॉलिसी जो जून में बनाई, मैंने आज सरकार को बताया कि पूरी टेक्सटाइल पॉलिसी के 100 पन्नों से ज़्यादा में पावरलूम का वर्ड ही नहीं है। तो सरकार ने आज अपनी गलती मान के पावरलूम के लिए अलग एक स्टडी ग्रुप अनाउंस किया है जिसका GR सरकार निकालेगी, जिसमें हमारे जैसे लोक प्रतिनिधियों को लिया जाएगा। दूसरा बड़ा विषय जो आज हमने लिया है कि 15 दिन भिवंडी के अंदर पावरलूम बंद करना पड़ता है, मुझे लगता है मालेगांव में, इचलकरंजी में भी वही स्थिति होगी। सरकार जो आज 27 लाख साड़ी खरीदने वाली है, जो आने वाले होली और फेस्टिवल में बांटने वाली है, वो 27 लाख साड़ी अब सिर्फ पावरलूम पर बनाई जा सकती है, यानी पावरलूम को पहला अपना कपड़े का रिजर्वेशन मिला। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो 12 से 14 आइटम हैंडलूम में बनते हैं, आप घर में जो पोछा लगाते हैं, वॉल के ऊपर जो कॉटन का कपड़ा लेते हैं, वो हैंडलूम में बनाना पड़ता है, हैंडलूम अभी कहीं रहे नहीं, तो वो रिजर्वेशन में पावरलूम को इंक्लूड करना। एक और बड़ा निर्णय सरकार ने आज लिया है कि जो सब्सिडी देती है सरकार 5% की, उसकी फाइलें धूल खा रही थी। सरकार ने माना कि वो गलती है और वो सारी फाइलें जो है टाइम बाउंड मैनर में क्लियर की जाएगी। सन्मान्य अजीत पवार साहब ने जब महाविकास आघाड़ी की सरकार आई थी 2019 के वक्त, तो एक नई सब्सिडी अनाउंस किया था 27 HP और 27 HP के ऊपर वालों के लिए। महाविकास आघाड़ी की सरकार चले गई, ये सरकार आ गई, एनर्जी डिपार्टमेंट को जाके कैबिनेट में जाएगा और मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी की कोशिशों से अब ये भी प्रस्ताव सरकार मानेगी। बीमा के ऊपर सरकार से हमने कहा, बीमा बंद हो गया है, इंश्योरेंस बंद हो गया, वो चालू करने की बात हुई। दूसरा, ये स्टडी ग्रुप के माध्यम से मैं आपको आश्वासित करता हूँ, आपके माध्यम से महाराष्ट्र को आश्वासित करता हूँ कि इस लक्ष्यवेदी के बाद पावरलूम इंडस्ट्री के अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। और सरकार ने जो सोचा है कि 5 लाख लोगों को काम देना, 25,000 कोटी का इन्वेस्टमेंट लाना, पावरलूम उसको लीड करेगा ये इंडस्ट्री। गुजरात से अच्छी पॉलिसी महाराष्ट्र के लिए हम स्टडी ग्रुप के माध्यम से, सरकार के माध्यम से महाराष्ट्र को देंगे, मुझे ये उम्मीद। पावरलूम कर्मचारियों के लिए लक्ष्यवेदी के अंदर हमने माध्यम से पूछा भी है और पावरलूम कर्मचारियों के लिए एक विस्तारित इंश्योरेंस पॉलिसी बनाने का निर्णय ले रहे हैं। सारे प्रश्न लक्ष्यवेदी के लिखित आए हैं तो हम बोल नहीं पाए, लेकिन स्टडी ग्रुप का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा कि पावरलूम कर्मचारी और पावरलूम के कर्मचारियों के बच्चों का शिक्षण। और लक्ष्यवेदी में हमने ये भी बोला था कि ट्रेनिंग सेंटर, जैसे कि अगर मैं मुकादम हूँ, जो मैं काम करता हूँ पावरलूम में, मेरा बच्चा मुकादम नहीं, मेरा बच्चा टेक्नीशियन बनना चाहिए। जल्दी ही भिवंडी और मालेगांव के अंदर आप जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट देखेंगे। ऑलरेडी भिवंडी के अंदर सस्मीरा के साथ मिलके एक ट्रेनिंग कोर्स हमने चालू किया है जिसका पहला बैच 25 बच्चों का बाहर आ रहा है। तो पावरलूम के जो भी कर्मचारी है और उनका परिवार है, उसके लिए एक अच्छा धोरणात्मक निर्णय ये सभी ग्रुप के माध्यम से हम लेंगे। नहीं, पहले वेतन बीमा था, वो रुक गया था और अब फिर से वेतन बीमा शुरू करने के लिए सरकार गौर करेगी, ये भी उन्होंने वादा किया है। और मालेगांव वालों को से मिल करके, वहाँ की इलेक्ट्रिक कंपनी को बुला करके, जो मालेगांव में प्रॉब्लम चल रहा है इसका, इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम वालों के साथ, जो नया कनेक्शन नहीं मिल रहा है, जो वहाँ पर जो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा चल रही, इन सब पे 25 से 30 तारीख के बीच में इसी महीने में
एक मीटिंग होगी, वो भी मसला हल किया जाएगा, उन्होंने वादा किया है। नहीं, यान फ्री मार्केट के अंदर कालाबाजारी होती है, यान ही जड़ है कि जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, तो यान की कालाबाजारी के ऊपर भी असेंबली ख़त्म होते ही एक मीटिंग रखी जाएगी। दूसरी बात, स्वयं टेक्सटाइल मिनिस्टर भिवंडी आके स्टडी ग्रुप का अनाउंसमेंट करने वाले हैं।